नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलाल बड़ोली को हरियाणा में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश संगठन की कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान करते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लिहाजा संगठन में इस वक्त चल रही नाराजगी और इसके साथ साथ अमित शाह के ऐलान के बाद राव इंद्रजीत सिंह बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका राव इंद्रजीत सिंह दे सकते हैं। पिछले दिनों हिसार पहुंचे, वहां पहुंचकर सीधे तौर पर यह कहा कि 20 सालों से मुझे मुख्यमंत्री पद का इंतजार है और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से मुझे बहुत उम्मीदें थी। इसके साथ साथ रेवाड़ी पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह अहीर सम्मेलन में साफ तौर पर यह कहते नजर आते हैं कि 15 ऐसे विधानसभा की सीटें हैं जहां पर मेरा सियासी प्रभाव है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और गुरुग्राम लोकसभा सीट को जीतने में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की राव इंद्रजीत सिंह ने अहम भूमिका निभाई। लिहाजा अब आने वाले वक्त में सीएम कुर्सी को लेकर राव साहब यहां पर दो दो हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बीजेपी हाईकमान को लेकर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2014 में मैंने पार्टी को इसीलिए ज्वाइन किया था कि सत्ता में वापसी यहां पर हरियाणा में करवानी थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक बार विधायक बनने वाले यहां पर मनोहर लाल खट्टर को विधानसभा में भेज करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। लंबा संघर्ष मैंने हरियाणा की राजनीति में किया है, लेकिन आगामी वक्त में ये संघर्ष अब दूसरे तरीके से भी हो सकता है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीजेपी हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश राव इंद्रजीत सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कह दिया है कि राव साहब कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक शामिल रहे और उनका सम्मान है, यदि वे कांग्रेस पार्टी का रुख करना चाहते हैं तो हम खुले दिल से स्वागत करते हैं और उन्हें सम्मान भी दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को कांग्रेस पार्टी में दोबारा से शामिल करवाने को लेकर हुड्डा गुट एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ही होगा कि राव इंद्रजीत सिंह क्या वाकई में बीजेपी हाईकमान को यहां पर झटका देते हुए नजर आएंगे, क्या हुड्डा गुट की पेशकश के बाद राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पिछले 20 सालों से यदि मनमोहन सरकार की बात करें तो उस दौरान भी विदेश राज्य मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त था और इस वक्त देखा जाए तो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल यहां शुरू हो चुका है और अभी तक राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री ही बने हुए हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, लिहाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में यहां पर बड़ा झटका बीजेपी को हरियाणा में लगने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।